कमल दौड़ी बांध रही हाँ कमल दौड़ी में बांधना I was telling to my papa to capture these all because this may make the memory of ऐसे याद रहता है हमें कि हम अमर नाम गए थे तो चलो अभी मैं आपको सारा दिखाऊंगा ए टू जेड और इसके बाद शायद एक या दो पार्ट और आएंगे इसी ब्लॉग के तो इस जगह पे होर्स वालों ने हमको 5 मिनट के लिए उतारा था बिकॉज दे हैव टू कैरी द मतलब खाना उनके लिए हॉर्सेस के लिए बिकॉज 2 to 3 days लगते हैं ऊपर तो घोड़ों को भूखा नहीं छोड़ सकते दैट्स व्हाई दे हैव ब्रॉड फूड फॉर हॉर्सेस हमें जाने का काटेंगे यहाँ से आने का काटना है वहाँ से बहुत पंगा बना दिया इसलिए जाने का काट दिया आने दे देंगे सीधा बैठो सर थोड़ा लेफ्ट साइड होके बैठो तो गाइस इस एरिया में इतनी जोर की पानी की आवाज आ रही थी जैसे कि सुनामी नहीं आती एकदम से इतनी तेज और बट व्यू देख के फिर दिल ठीक सा हो जा रहा था पानी को देख के दिल थोड़ा सा घबरा रहा था तो गाइस एक बार और ये सीआरपीएफ वाले हर जगह आपको अवेल मिलेंगे जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है पैदल यात्रियों के लिए यहाँ से बना रखा है चेकिंग काउंटर तो दे हैव टू गो फ्रॉम दिस एंड हमारे लिए कोई चेकिंग नहीं थी बिकॉज हमारी पहले ही हो चुकी थी इनकी भी हो चुकी होगी बट पता नहीं क्यों दोबारा से हो रही थी तो हैट्स ऑफ टू सीआरपीएफ और देख लो पोष पत्री कश्मीर नहीं भाई हेलो रोक ला यार नाल ना ले ली रोक ले भाई अपनी वाइट वाली आ गई है चलो मैंने नहीं थी मेरे को आगे ले रुक रुक मेरे को आगे ले यूट्यूबर एक मिनट बात करो मुझसे बात करनी है आराम से बच के होश आया
अच्छा आगे तो गाइस अब हमारे यहाँ से स्टार्ट होती है रियल डेस्टिनेशन, बिकॉज यहाँ से अब हमें सीढ़ियाँ चढ़नी है, जिससे कि घोड़े वाले बोलते हैं कि अपना वेट जब सीढ़ियाँ चढ़ा करे तो आगे रखा करो और जब उतरा करे तो पीछे को रखा करो, तो ऐसा ही कुछ होता है। बट मेरे घोड़े वाला बहुत ज़्यादा स्वीट था और उसने मेरी वो मतलब इतनी लंबी लंबी सीढ़ियाँ हमने जंप लगाई, बट घोड़ा वॉज वेरी गुड। उसका नाम शायद पता नहीं कुछ बादल बुदल ऐसा था और मम्मी पापा का फिगर का मैंने पूछा ही नहीं था। तो अब मैं आपको मिलूँगा रास्ते में। डरियो ना, ये डर तो नहीं है। भाषा कौन सी है? यही भाषा है। वन वन का वन एक्स लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है? ये ऊपर गाइज आप देख लो हम कितना ऊपर चढ़ चुके हैं। फिलहाल अब जितना ऊपर हम जाते रहेंगे ऐसे, मतलब भाई साहब ऐसा था चट्टाने खत्म ही नहीं होने को आ रही थी। मतलब अगले दिन जब हम अभी इसके बाद हम कोई वैली जाएंगे और वहाँ पे ऐसा था भाई, बस अब हमारा पहाड़ों से मन उठ चुका है, अब हमारा पहाड़ों में जाने का मन ही नहीं कर रहा। साइड बोले Thank you.
दिखा रहा हूँ सारा दिखा रहा हूँ। यहाँ देख भोले बाबा की डकरी मैं अभी पिछले टॉप 3 किलोमीटर बाकी 3 किलोमीटर ये हम पिस्सू टॉप के टॉप पे पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। वहां से आए हम नहीं आ रहे। हाँ आ रही आई थी फिर कट गई। बार बार नहीं गाड़ देखो ओ तेरी पागल बहन चोद। अरे भाई आराम से आराम से। अरे थोड़ा इधर कर ले यार उस वजन आगे वजन आगे वजन आगे वजन आगे वजन आगे साइड से पहाड़ की तरफ पहाड़ की तरफ पहाड़ की तरफ पार की तरफ साइड बोले रास्ते की तरफ साइड बोले जय बोले की बहुत फुली टायर्ड एट दिस प्लेस। तभी मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मुझे उतरवाओ बिकॉज इतनी देर ना बैठन जा रहा था और यहाँ पे घोड़े वो वाले भी नहीं थे कंबल वाले तो थोड़ी सी बम दर्द हो रही थी तो तभी करके हम रास्ते में रुक रुक कर गए थे। और व्यू अब हमने पोषपत्री पार कर ही लिया है और अब मे भी पता नहीं क्या शुरू होएगा शायद से क्योंकि देखो चंदनवाड़ी तो हमने क्रॉस कर लिया पिस्सू टॉप भी क्रॉस कर लिया शायद से अब नाम नहीं पता।